हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था फार्मूले, बेसिक फार्मूले ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड उसके बाद मेरा सेकंड जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को हम किस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एंड इनवर्स लाप्लास निकालते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा आज की कैसे हम यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। पर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में एक कंसेप्ट है यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो ये अपन पहले सीख लेते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है। सो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है एच टी माइनस ए वन वेर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड जीरो वेर टी इज लेस देन ए। मतलब ये वो फंक्शन है जिसकी ए से जब टी ग्रेटर देन ए होता है तब उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, और जब लेस देन जीरो होता है तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब लेस देन ए होता है तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये यहां पे यूज आने वाला है। सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, अगर लाप्लास ऑफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस एफ एस होता है। सो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो मैं आपके सामने दो से तीन क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे किस तरह से हम सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन बताई। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर यूनिट स्टेप फंक्शन जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का जो कंसेप्ट है अगर वो अप्लाई नहीं होता है तो हमें नॉर्मल फार्मूला जो स्टार्ट में मैंने फार्मूला सिखाया था उससे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। और ये जो थ्योरम्स है जैसे मैंने अभी बताया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है या फिर सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है या फिर आगे मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन प्रॉपर्टी, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में हमारी हेल्प करते हैं, ईजी होते हैं। पर हम अगर बाई चांस हमें इन थ्योरम के बारे में नहीं आइडिया है तो हम हमारा नॉर्मल जो फार्मूला है लाप्लास का जो जीरो से इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी उससे हम निकाल सकते हैं, उससे भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट वहाँ थोड़ा लंबा होता है, टाइम खराब होता है, इसलिए हम इन थ्योरम्स का यूज करते हैं। सो इधर देखिए आप, मैंने आपको थ्योरम का स्टेटमेंट तो पहले बता ही दिया, अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो साइन टी माइनस पाई बाई थ्री को हम बाहर निकालेंगे, जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा वन वेर टी इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री एंड जीरो वेर टी इज लेस देन पाई बाई थ्री। और मैंने अभी आपके सामने यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, इस डेफिनेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एच टी माइनस ए, यहां पे ए है, यहां पे ए की जगह कितना है पाई बाई थ्री और वन है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एच टी माइनस पाई बाई थ्री एंड दिस इज साइन टी माइनस पाई बाई थ्री, सही है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमें इसका लाप्लास निकालना है, राइट। तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है, सबसे पहले हम किसका लाप्लास निकालेंगे, एफ टी का निकालेंगे, मतलब इसका निकालेंगे, मतलब सबसे पहले किसका लाप्लास निकालेंगे, हम साइन टी का निकालेंगे। तो यहां पर साइन टी का जो लाप्लास होगा वो कितना होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो थ्योरम क्या बोलती है कि साइन टी माइनस पाई बाई थ्री एच टी माइनस पाई बाई थ्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, यहाँ पे ई की पावर माइनस ए एस एफ एस हो जाएगा। तो ये जो एफ एस है ये तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ए एस, और ए कितना है मेरा यहाँ पे पाई बाय थ्री है, तो ये आएगा माइनस का पाई बाय थ्री एस। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे इसका अगर हमें लाप्लास निकाला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की पावर टी माइनस ए बाहर निकालेंगे, तो यहाँ आएगा वन वेर टी इज ग्रेटर देन ए जीरो वेर टी इज लेस देन ए, और हम जानते हैं ये एच टी माइनस ए की डेफिनेशन है। सो हम लिख सकते हैं इसको ई की पावर टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए। अब यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ रहा है एफ टी माइनस एच टी माइनस ए, सबसे पहले हम एफ टी का लाप्लास निकालेंगे, मतलब सबसे पहले किसका लाप्लास निकालेंगे, हम ई की पावर टी का। सो ई की पावर टी का जो लाप्लास होता है वो होता है वन अपॉन एस माइनस वन। सो लाप्लास ऑफ ई की पावर टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ई की पावर माइनस ए एस वन अपॉन एस माइनस वन, मतलब इसको एक्स्ट्रा एड करने से यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आता है, ई की पावर माइनस ए एस आता है। सो एक और एग्जाम्पल देखिए आप, इससे आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का लाप्लास कैसे निकालेंगे हम, कॉस टी माइनस टू पाई बाई थ्री बाहर निकलेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, वन वेयर टी इज ग्रेटर देन 2 पाई बाई थ्री एंड जीरो वेर लेस देन 2 पाई बाय थ्री एंड नैन कॉस टी माइनस 2 पाई बाई थ्री, इसको हम क्या लिखेंगे, एच टी माइनस 2 पाई बाई थ्री। देन हम यहाँ पे लाप्लास निकालेंगे किसका, सबसे पहले कॉस टी का, कॉस टी का लाप्लास कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। अब तो ये एक्स्ट्रा जितना भी आता है वैल्यूज, कॉस
t माइनस टू पाई बाई थ्री इंटू एच टी माइनस टू पाई बाई थ्री, तो यहां पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, e की पावर माइनस टू पाई बाई थ्री s अपॉन s स्क्वायर प्लस वन। सो इस तरह से हम इन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से हम इनवर्स लाप्लास कैसे निकालते हैं। सो मैंने अभी आपके सामने बताया था कि सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर द इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। नाउ अब सिखाऊंगा मैं कि सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम फॉर द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये जो एल है ये इधर गया, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे एफ टी, ये एल उधर गया, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस ए एस एफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, ये एफ टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इनवर्स एफ एस का इनवर्स एफ टी पता है तो इसके साथ अगर ई की पावर माइनस ए एस और एड होगा तो यहाँ पे एफ टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस है, जहां पर एच टी माइनस है क्या, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अपन इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसका लाप्लास निकालेंगे, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का, तो हम जानते हैं इसका लाप्लास कितना होता है, साइन टी होता है, राइट है ना। अब हमने ई की पावर माइनस पाई बाई थ्री इसके साथ लगाया है ना, पाई बाई थ्री एस, दिस इज एस राइट, दिस इज एस ओके, और यहाँ पे भी ऐसा आएगा ये है ना। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस पाई बाई थ्री एस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे एच टी साइन टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए आ जाएगा है ना, क्योंकि ई की पावर माइनस पाई बाई थ्री एस लगेगा। तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है कि इसका लाप्लास अगर एफ टी है तो ये साथ में एड होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा टी माइनस इंटू एच टी माइनस ए। अब अगर हम एच टी माइनस ए को खोलें बाय द डेफिनेशन तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास पाई बाई थ्री है, तो हम पाई बाई थ्री लिखेंगे है ना। सो टी माइनस पाई बाई थ्री और इसको खोलेंगे तो ये आएगा वन वेर टी इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री एंड जीरो वेर टी इज लेस देन पाई बाई थ्री, और इसको मैं अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा साइन टी माइनस पाई बाई थ्री वेर t इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री एंड जीरो वेर t इज लेस देन पाई बाई थ्री। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसका लाप्लास मैंने निकालना सिखाया था, इसका लाप्लास ये आता है। अब मैंने आपको सिखाया इसका इनवर्स लाप्लास ये आता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ सबसे पहले निकालेंगे s माइनस वन, तो ये आता है e की पावर t, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस s, तो यहाँ पे क्या आ जाता है e की पावर t माइनस a इंटू h टी माइनस है, और आप एच टी माइनस ए की डेफिनेशन से इसको सॉल्व करोगे तो वापस वही आ जाएगा जो हमने करा था। एक और एग्जांपल देखिए आप, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, हम जानते हैं कितना आता है ये, कॉस टी आता है राइट। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस टू पाई बाई थ्री एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, तो मैंने आपको क्या समझाया था, यहाँ पे आएगा कॉस टी माइनस टू पाई बाई थ्री इंटू एच टी माइनस टू पाई बाय थ्री, ये इंटू में है ना। अगर हम इसको खोलें तो ये आएगा कॉस टी माइनस टू पाई बाय थ्री और ये आएगा, तो ये आएगा वन वेर टी इज ग्रेटर देन टू पाई बाय थ्री एंड जीरो वेर टी इज लेस देन टू पाई बाय थ्री, और इसको अंदर लेंगे हम तो ये आएगा आपके पास कॉस टी माइनस टू पाई बाय थ्री है ना, टी इज ग्रेटर देन टू पाई बाय थ्री एंड जीरो वेयर टी इज लेस देन टू पाई बाय थ्री। सो इस तरह से हम यहाँ पे इनवर्स सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज करते हैं इनवर्स लाप्लास के लिए। मैं आपके सामने एक और दो एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे एंड देन इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। सो यहाँ दो लास्ट क्वेश्चन हो, देखिए आप किस तरह से हम इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है, टी होता है, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस टू एस वन अपॉन एस स्क्वायर यह आएगा t माइनस टू इंटू एच टी माइनस टू आता है। सो इस तरह से हम इसका लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है cos हाइपरबोलिक ओमेगा t, बिकॉज माइनस आ रहा नीचे है ना, एंड देन लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस s s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, cos हाइपरबोलिक ओमेगा t माइनस a इंटू एच टी माइनस है, ये इसका आंसर आएगा। सो इस तरह से हम इनका लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये गेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमें सीधा इसका फार्मूला याद रखना और इसको हम अप्लाई करेंगे। सो मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज़ अगर अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू सो मच.